और राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां बस मालिक पर फायर किया गया है। रामकृष्ण नगर इलाके में फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस ने दो खोखा बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है, किसने फायरिंग की इसका पता लगाया जा रहा है। रामकृष्ण नगर इलाके में फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दो खोखा घटनास्थल से मिले हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय है। संजय, जो जानकारी मिल पा रही है कि फायरिंग की गई है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को। जकरियापुर इलाका ये है, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का, और बस मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तीन राउंड फायरिंग की बात सामने आई। दो खोखा जो है वो बस मालिक द्वारा ही पुलिस को दिया गया है और फिलहाल पुलिस कह रही है कि सभी पहलुओं पर छानबीन चल रही है और देखना होगा क्या कुछ छानबीन के बाद बात निकल कर सामने आती है। लेकिन फायरिंग के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और अपने लेवल से पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है संजय तमाम जानकारियों के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस मौके पर मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का बुकलेट जारी किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि यह सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। बीते 10 साल में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हुई है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया, जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का, और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगी। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार की स्कीम पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना खास तौर पर महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में साल में 2 बार 5,000 रुपए डालेगी, यानी 1 साल में 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम मोदी ने ये योजना भुवनेश्वर के जनता मैदान से लॉन्च की। सुभद्रा योजना भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की बहन सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। इस योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ने की उम्मीद है। देश भर के लिए 2800 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का भी पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 74 किलो का लड्डू वाला केक काटा। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में ये केक काटा गया। केक काटने के बाद उसे प्रसाद के स्वरूप लोगों के बीच बांटा गया। इसके बाद मंदिर में विशाल हवन पूजन भी हुआ। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पटना बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष त्रिप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को देश का सबसे मजबूत नेता बताया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा स्वरूप, जिनकी भविष्यवाणी 19वीं सदी में हुआ था कि 21वीं सदी भारत का होगा, सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान, श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान का भाव आज समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर स्थापित किए हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लगातार इस देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले जिनकी धार पूरी दुनिया देख रही है, भारत तो खड़ा हो ही रहा है, दुनिया में भारत का गौरवशाली इतिहास स्थापित हो रहा है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई भी हो रही है तो वहां अमेरिका को नहीं खोजा जा रहा, इंग्लैंड को नहीं खोजा जा रहा, वहां भारत को खोजा जा रहा है, मोदी जी को खोजा जा रहा है। आज इस लोकतंत्र को नेतृत्व कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने भारत माता के सम्मान के लिए पूरे देश को सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे भारत माता के ही धरती पर कश्मीर में एक ही देश के अंदर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बोला भारत में कोई दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं रह सकता है, और 370 धारा को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया, हटा दिया। बिहार समेत पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी मिथिला परंपरा के तहत पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। पीएम की दीर्घायु के लिए 101 वैदिक पटुक ने स्वास्तिक वाचन का पाठ किया। दरभंगा के लघमा गांव के गुरुकुल में ये पाठ किया गया। इस पाठ में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। पूजा के बाद नरेंद्र मोदी के जुग जुग जीवु का उद्घोष भी किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने संस्कृत के श्लोक पढ़कर पीएम के स्वस्थ, मंगल और स्वास्थ्य की दीर्घायु होने की कामना की। विश्व के ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जिसने विश्व में शांति स्थापित करने का काम करते रहते हैं। आज जैसे आप जितनी भी लड़ाई देख लीजिए, दुनिया के अंदर जो भी लड़ाई होती है उसमें अगर मोदी जी का एक बार हस्तक्षेप हो जाता है तो लड़ाई वही का वही रुक जाता है। ऐसे विश्व के नेता, दुनिया के नेता का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। खास करके मिथिलावासी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस जन्मदिन को मना करके। और इस मिथिला आज गद गद है और पूरे मिथिला नरेंद्र मोदी जुग जुग जीवू, अपने भाषा मैथिली में उनको आशीर्वाद भी दिया है। और नरेंद्र मोदी जी का यह जो पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 15 दिन विभिन्न कार्यक्रमों के तहत यह मनाया जाएगा, हम लोग लगे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु रहे, धन्यवाद। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कटिहार के सिंगारोल आनंदपुर में लोगों में खुशी है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह है। आपको बताएंगे, गांव के मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति के साथ नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। लोग उन्हें राम का अवतार मानकर रोजाना पूजा करते हैं। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। केजरीवाल कैबिनेट में आतिशी सबसे ज्यादा मंत्रालय संभाल रही हैं। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगी। आज सुबह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से नया नेता चुना गया। बता दें कि आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। गेंडा आंदोलन के समय से ही संगठन में है और इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय है। और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला दिया। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका मिलने के बाद हिंदू पक्षकार और साधु संतों में खुशी की लहर है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि कानून का राज है। जैसे हमने डबल बेंच इलाहाबाद में कैविएट लगाए थे, लोग हंस रहे थे कि इन्होंने यहाँ कैविएट क्यों लगाया, क्योंकि प्रथम दृष्टा माननीय जो हमारा हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको डबल बेंच में ही चैलेंज किया जाना है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केवल एक कार्रवाई को लंबित किया, समय खराब किया है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज साफ कह दिया है कि आप इसको पहले डबल बेंच इलाहाबाद जाइए या इसका अध्ययन करिए। प्राकृतिक सुनवाई अब 4 नवंबर लगा दी है और हमें पता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि ये हिंदुओं की है, सनातन की है, मेरे कान्हा की है, नाबालिग व्यक्ति की है। बिहार के सहरसा से बड़ी खबर सामने आई, जिसमें चलती कार में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपियों ने बकरी चुरा रही लड़की को पहले गाड़ी के पास बुलाया और फिर बंदूक की नोक पर उसे गाड़ी में बिठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की ने 3 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। नेपाल से नकली करेंसी कश्मीर पहुंचने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस मास्टरमाइंड सरफराज को कश्मीर से 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मोतिहारी लेकर पहुंची और सरफराज को सिविल कोर्ट के सत्र न्यायाधीश के यहां पेशी के बाद सेंट्रल जेल भेजा गया। पुलिस अब इस पूरे मामले पर आरोपी से पूछताछ करने वाली है। बता दें कि 5 सितंबर को आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर मोतिहारी पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी में से एक पुलिस की पूछताछ में मास्टरमाइंड सरफराज का पाकिस्तान से कनेक्शन होने की भी बात कही गई थी। गोपालगंज में चोरों ने पलक झपकते ही बाइक पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोड़ के पास की है, जहां कपड़ा खरीदने आए मोहम्मद रिजवान की बाइक शॉप के बाहर से चोरी कर ली गई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस अब अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर बाइक चोरों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। तस्वीर आपके सामने है, इसमें साफ नजर आ रहा है सड़क के किनारे अपनी बाइक को लगाकर शॉपिंग करने गए शख्स की इस बाइक पर कैसे शॉपिंग मॉल के बाहर ही देखिए एक युवक रेकी करता हुआ दिखता है, जिसके बाद बाइक पर ये शख्स बैठता है और बाइक लेकर यहां से बड़े आराम से मास्टर चाबी से इस बाइक को स्टार्ट कर रफू चक्कर हो जाता है। अगली खबर है आरा से, जहां खुलेआम राइफल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के भिया थाने की भीमपट्टी बिलवनिया का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां एक श्रद्धांजलि सभा में भोजपुरी गायक टुनटुन यादव पहुंचे थे, तभी कार्यक्रम में स्टेज पर खुलेआम सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक हाथ में राइफल लेकर फायरिंग कर रहा है और गायक समेत डांसर सभी डरे हुए हैं, लेकिन युवक लगातार यहां फायरिंग कर रहा है। एसपी के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पटना में यातायात का पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह कैमरे लगाए हैं। कैमरे के जरिए यातायात का पालन नहीं करने वाले लोगों का ऑटोमेटिक चालान कट रहा है, लेकिन अब एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल पटना के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसी का कार के अंदर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कट गया। उसके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। तो पिछले साल भी उनका कार में हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काट दिया गया था। अब डॉक्टर परेशान हैं क्योंकि चालान की कारण पॉल्यूशन रिन्यूअल नहीं होना नहीं है और डॉक्टर का कहना है कि गलती नहीं की तो फाइन क्यों भरे। वो बता दें डॉक्टर के पास जो चालान आया है उसमें बाइक सवार की तस्वीर भेजी गई, जो उनकी कार का नंबर लगाकर बाइक पर घूम रहा है और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उसका चालान काटा गया, जिस चालान को भरने के लिए अब डॉक्टर साहब मजबूर हैं। ये समझ में नहीं आता है, एक मोटरसाइकिल का फोटो दिया हुआ है और उसके नीचे मेरे गार्ड मेरे नंबर पर चालान का आया हुआ है। परेशान ये हो रहा है जो पॉल्यूशन को हम रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज पॉल्यूशन का डेट ख़त्म हो रहा है। जब पॉल्यूशन सेंटर में जाते हैं वो कहते हैं आपके नाम पर कंप्लेंट है, जब तो कंप्लेंट रहता है गाड़ी के नाम पर तब तक पॉल्यूशन दोबारा नहीं हो पाता। मेरा गाड़ी फॉल्ट में नहीं है, हम चालान क्यों भरेंगे? आपकी गलती है ही नहीं। मेरा गलती नहीं है ना, मेरा गाड़ी फॉल्ट नहीं है, ये मोटरसाइकिल है। ये जो फोटोग्राफर जो है उनके जो लोग किए हैं वो हैं एंट्री किए हैं उन्हीं लोग का फॉल्ट है।
कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के पास एम्बुलेंस समेत तीन गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है और जानकारी के मुताबिक सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश और इसके कारण बरेज गांव के पास बनाए जाने वाले फ्लाईओवर में उपयोग किए जाने वाले राख एनएच पर फैल गया और गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट गई। अराबिस है ना जो रोड का, उसी पर गाड़ी स्लिप करके हमारा साइड में हो गया गाड़ी। अब साइड में गाड़ी हो गया तो आगे पीछे हो ही नहीं जाता, थार वाला आकर के बस मार दिया। एम्बुलेंस हाँ, कोई एनएचआई या पुलिस आया आपको गाड़ी निकालने के लिए? अरे कोई नहीं आया है, गांव के लोग आए। गांव के लोग निकाले? हाँ, गांव के लोग निकाले। एनएचआई का गलती है, एनएचआई राबिस रोड पर आया है, बहुत सारा गाड़ी बारिश के कारण राबिस रोड पर आ गया सर। कितनी गाड़ी एक्सीडेंट की है? तीन गाड़ी हुआ है, मेरा अभी और हो सकता है, अभी और हो सकता है। एम्बुलेंस भी है क्या? एम्बुलेंस भी है। तो आप लोगों ने क्या एनएचआई की से बात किया? एनएचआई का आदेश सूचना का फोन किए, वो भी अभी तक नहीं आया, उन्होंने स्टाफ अपना नहीं। मुंगेर में डेंगू के बढ़ते मामलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। 8 मरीजों की जांच में 4 मरीज के रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन में ये डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं। डेंगू वार्ड में 7 मरीजों का इलाज जारी है। जिले में डेंगू का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अगस्त और सितंबर महीने में 50 से ज्यादा डेंगू के संभावित मरीज भर्ती हो चुके हैं, जबकि निजी नर्सिंग होम में भी कई मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में डेंगू के लिए 50 बेड के वार्ड की व्यवस्था की गई है। 2 अर्बन और 1 हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ भी सूचना मिली है उसके अगल बगल के 200 घरों में हमने छिड़काव का निर्देश देके छिड़काव भी करवा चुके हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से छपरा के दियारा और तटीय इलाकों में लोगों के घरों में अब पानी प्रवेश कर गया है। यहाँ लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। देशभर में आज से विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो रही है। पूर्णिया में भी नगर निगम ने स्वच्छता सेवा जागरूकता अभियान चलाया और इस पर महापौर, उपमहापौर और नगर आयुक्त समेत सभी वार्ड पार्षद ने स्वच्छता को लेकर शपथ ली और आरएसआओ चौक से सफाई अभियान चलाया। इस दौरान प्लास्टिक थैला छोड़ने को लेकर अपील की गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए ये आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। महापौर ने लोगों से स्वच्छता सेवा अभियान के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की। रोहतास से खबर, जहां के थुतला भवानी वाटरफॉल का शानदार नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के बाद वाटरफॉल भी उफान पर है और वन विभाग ने वाटरफॉल के आसपास जाने पर फिलहाल आम लोगों के लिए रोक लगा दी है। पानी का बहाव काफी तेज है, पहाड़ से पानी काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और नजारा लेकिन शानदार है। पटना में रेल पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर रहे थे। बिहार समेत कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। चोरी करना, मोबाइल चोरी करना, ये सारे चोरी करते हैं, विभिन्न राज्यों में भी चोरी करते हैं, ट्रेन में करते हैं और उसको ये बेचते हैं एक जगह, जो कि फुलवारी शरीफ पटना के रहने वाले हैं। उनके पास से 23 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद किया गया। तो कुल इस कांड में 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपये है। इसके अलावा जो 2 कौशल कुमार या गिरोह के सरगना है और इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर, राज्यों में चोरी की जाती है और इनके पास से, दोनों के पास से 8-6 एटीएम कार्ड, विभिन्न पैसेंजर का बरामद किया गया है। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जमशेदपुर के युवा मुर्मुल्ला सूर्या की मौत हो गई। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुलवंत सिंह बंटी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से परिजनों की फोन पर बात हुई। इसमें मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी पीड़ित परिवार से बात की और उन्होंने भी 1 लाख रुपए की सहायता देने का भरोसा दिलाया। अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे उसको मिलता है ना, वो बच जाता है। लोग जब गए हैं तब जाके लोग का मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसका हालत बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा हालत खराब था, छटपटा रहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक 15 घटनाएं पहले हो चुकी, उसके बाद भी आप नहीं चेते और फिर से वही प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप
जो दौड़ है 5 किलोमीटर की दौड़ करवाइए और 24 मिनट में कराइए। इस तरह लोगों को मत दौड़ाइए कि उनके परिवार के गुदड़ी का लाल हमारे बीच में ना रहे। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।